यूपी की कुछ खास खबरों पर। आगरा आए अन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना जाने क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझसे जलन होती है, जबकि अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई संबंध नहीं है और दूसरा केजरीवाल पैदा ना हो इसलिए कार्यकर्ताओं से हम एफिडेविट लेंगे। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जबकि हर जगह पैसों का काम हो रहा है। आगरा आए अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति और किसानों की समस्या व चुनाव सुधार जैसे मुद्दों को लेकर आगरा के संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही सरकार पर जमकर हमला बोला। अन्ना हजारे ने जनसभा में शामिल हुए लोगों से घर की चार दीवारी से निकलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आयोजित होने वाले 23 मार्च के आंदोलन के लिए जन समर्थन मांगा। वहीं उन्होंने मंच से कहा कि इससे पहले की सरकार भी लोकायुक्त को नियुक्त करने में पक्ष में नहीं थी, लेकिन हमने वर्तमान सरकार से ये उम्मीद जताई थी कि वह भी धराशायी हो गई। हम लोग कर रहे हैं ना, कैसे कैसे उसको एक बात है, भ्रष्टाचार को हम मिटाना है तो कठोर कानून, देखो आरटीआई का कानून आ गया, कितना ब्रेक लग गया, 8 साल प्रयास किया, आज कानून से ब्रेक लगा, ऐसे कठोर कानून बनाना चाहिए तो ब्रेक लगेगा। कैसे कानून की जरूरत है देश को, कैसे कानून, कठोर कानून, कठोर, ये जैसा अभी कोई ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार किया।